बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ नहीं हुआ था इनको। मेरे को यहाँ हो गया 14-15 साल से भी ज़्यादा काम करना हो गया। मैं आई जो दरवाजे खुले हुआ था और जिसमें बॉडी पड़ी हुई थी वो अंदर से कुंडी बंद थी, फिर कुंडी बंद थी। मैंने इधर से, मैंने काफ़ी देर में खड़ी थी, दरवाज़ा खड़काया, खोला नहीं उन्होंने। मैं समझे शायद वॉशरूम गए होंगे इसलिए आवाज़ नहीं दे रहे। फिर मैं दूसरी साइड से घूम कर गई तो देखा तो उनकी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, सारा घर में फुलरा हुआ था। फिर उनके साथ में मैं पड़ोसियों को बुला के गई, रिश्तेदार रहते हैं उनके, उनके पड़ोसियों को बुलाने गई। यहाँ एक हमारे रिटायर्ड पर्सन थे 75+ खेमचंद जी, वो अकेले रहते थे। तो रात को खाना खुना खा के वो एक नौकरानी तो चली गई थी, तो सुबह जब मॉर्निंग में वो आई 11 बजे तो देखा कि उसकी डेड बॉडी पड़ी थी जिस पे चोट के निशान हैं। प्रथम दृष्टया तो ये मर्डर तो है ही, बाकी उसका सामान कितना गया है तो 460 भी हो सकता है। किस प्रकार की जांच की जा रही है? सीसीटीवी कैमरे तो आसपास देखेंगे, मुझे नहीं लगता है, लेकिन हमारी सारी टीम में तीनों CIAs यहाँ हैं, SHO यहाँ हैं, साइंटिफिक टीम यहाँ हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट यहाँ हैं, तो हम बहुत जल्द, उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको ट्रेस आउट कर लेंगे। नहीं, फैमिली उसकी एक बिटिया है, अभी पूरी डिटेल से तो बात हो नहीं पाई, अभी बाकी हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। जी, बहुत चलती भाई।